टीम इंडिया के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह और पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के बीच ट्विटर पर भयंकर युद्ध छिड़ गया है। हरभजन और मोहम्मद आमिर के बीच की लड़ाई ने सारी हदें पार कर दी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए महामुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों का घमंड सातवें आसमान पर है। पाकिस्तानी खिलाड़ी लगातार टीम इंडिया और उसके खिलाड़ियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। मामले की शुरुआत पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के एक ट्वीट से हुई, जब उन्होंने यूट्यूब पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक पुराने टेस्ट मैच की वीडियो क्लिप शेयर की थी। इस मैच में शाहिद अफरीदी हरभजन सिंह की लगातार चार गेंदों पर चार छक्के लगा रहे हैं। आमिर ने इस क्लिप को शेयर करते हुए तंज कसा कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसा कैसे हो सकता है। फिर क्या था, हरभजन ने भी मोहम्मद आमिर को मुंहतोड़ जवाब देते हुए स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल याद दिला दी। बता दें कि फिक्सिंग के आरोप में आमिर पर 5 साल का बैन लगा था। मोहम्मद आमिर ने ट्विटर पर कहा, मैं पूछना चाह रहा था कि हरभजन पाजी, आपने अपना टीवी तो नहीं फोड़ा? कोई नहीं, होता है, दिन के अंत यह क्रिकेट का खेल है। हरभजन सिंह ने इसका जवाब देते हुए कहा, अब तुम भी बोलोगे मोहम्मद आमिर, ये छह की लैंडिंग तुम्हारे घर के टीवी पर तो नहीं हुई थी? कोई नहीं, होता है, दिन के अंत, यह क्रिकेट है, जैसा कि आपने ही कहा। इस ट्वीट के साथ उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर में छक्का मारने का एक वीडियो भी शेयर किया। हरभजन के जवाबी हमले के बाद आमिर ने भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए टेस्ट मैच का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मैं थोड़ा बिजी था हरभजन सिंह, आपकी गेंदबाजी देख रहा था, जब लाला यानी कि शाहिद अफरीदी ने आपके चार गेंदों पर चार छक्के लगाए थे। क्रिकेट है, लग सकता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ये थोड़ा ज्यादा हो गया। जब आमिर ने हद पार कर दी तो हरभजन से रहा नहीं गया और उन्होंने आमिर को मैच फिक्सिंग वाले मामले की याद दिला दी। उन्होंने ट्वीट किया, लॉर्ड्स में नो बॉल कैसे हो गया था, कितना लिया, किसने दिया, टेस्ट क्रिकेट है, नो बॉल कैसे हो सकता है, इस खूबसूरत खेल को बदनाम करने के लिए आप पर शर्म आती है। आमिर ने इसके बाद फिर ट्वीट किया, भागो भागो लाला आया, यानी कि शाहिद अफरीदी। हरभजन कहां मानने वाले थे, उन्होंने भी जवाब देते हुए लिखा, आप जैसे लोगों के लिए मोहम्मद आमिर केवल पैसा, ना इज्जत ना कुछ, और सिर्फ पैसा, बताओगे नहीं अपने देश वालों को और स्पोर्ट्स को कितना मिला था, दफा हो जाओ, मुझे तुम जैसे लोगों से बात करने में भी घिन आती है जो खेल को बदनाम करते हैं। इसके बाद हरभजन ने एक और ट्वीट किया, फिक्सर को सिक्सर, आउट ऑफ द पार्क, मोहम्मद आमिर चल दफा हो जा। इस ट्विटर बार पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।